उज्जैन पुलिस ने एटीएम मशीन से रुपए निकालकर धोखाधड़ी करने वाली गैंग का खुलासा किया। आरोपी एटीएम मशीन में छेड़छाड़ कर रहे थे। हरियाणा मेवात गैंग के दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 80 एटीएम कार्ड पुलिस ने जब्त किए हैं। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि शहर के एक एटीएम फ्रॉड गैंग सक्रिय है, जिस पर पुलिस अधीक्षक सचिन अतुलकर ने एक टीम गठित कर गैंग के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रेस वार्ता में पुलिस कप्तान ने बताया कि आरोपियों ने विभिन्न एटीएम से करीब 3,50,000 रुपए का लेन देन किया है। आरोपियों ने देश के कई शहरों से एटीएम से रुपए निकाले। आरोपियों से 80 एटीएम कार्ड भी पुलिस ने जब्त किए हैं। आरोपी हरियाणा के मेवात गैंग के सदस्य हैं, साथ ही देश के कई बड़े शहरों में व बैंकों में लूट को अंजाम दे चुके हैं। इसमें उज्जैन पुलिस द्वारा एक एटीएम फ्रॉड गैंग को पकड़ा गया है। अभी तक दो आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। इन आरोपियों के पास से 80 से ज्यादा एटीएम कार्ड पुलिस ने बरामद किए हैं। इनने बैंक को जो राशि फ्रॉड करने के लिए एक तकनीक का इस्तेमाल किया है एटीएम में, जिसमें उसका जो पावर सोर्स है एटीएम का, उसको मैनिपुलेट करके ये इस प्रकार से राशि का विड्रॉल करते थे कि ये मैसेज बैंक के पास नहीं पहुंचता था। और इस तकनीक का उपयोग करके इन्होंने एक बैंक की जानकारी जो मिली है पुलिस को, 3.5 लाख रुपए का फ्रॉड अभी तक बैंक के साथ किया है। जो अन्य बैंकों के एटीएम इनसे मिले हैं, पुलिस ने इनसे जानकारी मांगी है कि किस प्रकार से इन्होंने जो फ्रॉड किया उसमें कितनी कितनी राशि इनके द्वारा विड्रॉल की गई है। इसमें मुख्य बात यह है कि जो एटीएम की तकनीक होती है कैश विड्रॉल की, उसमें खामी मिल रही है और ये जो आरोपी हैं उसी तकनीक का इस्तेमाल करके बैंक को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इसमें जितने भी बैंक हैं उनके द्वारा भी जो तकनीक इसमें इस्तेमाल होती है एटीएम को, उसको और पुख्ता करने की आवश्यकता है। पुलिस द्वारा आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी।